बीजेपी और उद्धव ठाकरे में किसने डाली थी दरार? फडणवीस ने बताया सच। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने को तैयार नहीं थे उद्धव ठाकरे। पवार के करीबी ने कराया उद्धव ठाकरे को बीजेपी से दूर। 2019 के लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर लड़ा था। केंद्र सरकार में शिवसेना भी शामिल हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ही महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन टूट गया। शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई। शिवसेना ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जो समझौता किया था वो उससे पीछे हट गई। बात ढाई ढाई साल के सीएम की थी, सत्ता के बराबर बंटवारे की थी, लेकिन बीजेपी ने चुनाव के बाद अपनी बात से पीछे हट गई, इसलिए हम बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहते। शिवसेना एनडीए से निकलते ही महाराष्ट्र की बीजेपी सत्ता से सीधे विपक्ष में चली गई। इसके बाद बीजेपी की ओर से शिवसेना को अपने पाले में लाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन हर बार ये कोशिश फेल हो गई। बाद में बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया कि उद्धव ठाकरे के साथ दोस्ती में आई दरार तब तक नहीं पटेगी जब तक संजय राउत उद्धव ठाकरे के करीबी रहेंगे। संजय राउत शुरुआत से ही शरद पवार के प्रशंसक हैं। उन्हें शिवसेना के अंदर पवार का आदमी माना जाता है और संजय राउत ने ही उद्धव ठाकरे को एनडीए छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। उन्होंने ही शरद पवार के साथ पूरी डील कराई थी और जब भी उद्धव ठाकरे का झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ा तो संजय राउत ने उन्हें बीजेपी से दूर करने के लिए पुरजोर कोशिश कर डाली। बीजेपी को भी इस बात का एहसास हो गया था कि जब तक संजय राउत साथ हैं ठाकरे के बीजेपी के साथ आने की संभावनाएं नहीं है। पवार की सबसे बड़ी ताकत ठाकरे गुट में राउत का वर्चस्व होना है। यह बात अब देवेंद्र फडणवीस भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। वो ये भी समझ चुके हैं कि बीजेपी और ठाकरे के बीच की दूरियां तब तक कम नहीं हो सकती जब तक संजय राउत मजबूत हैं। यह संयोग नहीं है कि बीजेपी पहले राउत को कम आंकने और इग्नोर करने की नीति पर चली आ रही थी। अब वह देवेंद्र फडणवीस को हर दो दिन में संजय राउत के खिलाफ किसी न किसी बयान को देकर हमले करने की बातें कर रही है। फडणवीस के बयानों से कई बार संजय राउत असहज दिखाई दे रहे हैं। राउत तो यहां तक कह चुके हैं कि अगर बीजेपी ठाकरे से दोस्ती करना चाहती है तो खुलकर बात करेंगे। फडणवीस को उद्धव ठाकरे से सीधी बात करनी चाहिए। मीडिया के सामने आने से कुछ नहीं होता। मीडिया के सामने आपका रुख अलग होता है। दोस्ती की बातें करते हैं लेकिन काम शिवसेना को कमजोर करने का कर रहे हैं। राउत से बीजेपी की नाराजगी कितनी है ये इसी बात से समझा जा सकता है कि पात्राचाल मामले में राउत पर सिर्फ ईडी नहीं शिकंजा नहीं कसा बल्कि उन्हें हवालात तक पहुंचा दिया। राउत अभी जमानत पर हैं, लेकिन वो कब तक बाहर रहेंगे इस बात का अंदाजा राउत को भी नहीं है। राउत भी बीजेपी पर लगातार निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। बीजेपी नेताओं के दावे पर यकीन करें तो 2019 के चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी को पटरी से उतारने का काम संजय राउत के द्वारा किया गया। राउत तो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उद्धव ठाकरे को इस बात का एहसास था कि अकेले चुनाव लड़ेंगे तो शिवसेना मुश्किल में फंस जाएगी, इसलिए उद्धव ठाकरे ने राउत की बात को दरकिनार करते हुए एनडीए में ही बने रहे। लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद राउत उद्धव ठाकरे को समझाने में कामयाब हो गए कि अगर सीएम पद नहीं मिला तो राज्य में शिवसेना कमजोर होती चली जाएगी और शिवसेना की जगह बीजेपी ले लेगी। और उद्धव ठाकरे भी संजय राउत की बातों में आ गए और जब शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से कहा कि वो खुद सीएम बन जाएं, इसके लिए एनसीपी और कांग्रेस उनका समर्थन करने को तैयार है। कांग्रेस को भी समर्थन देने के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी शरद पवार ने ले ली थी और बाद में कांग्रेस को भी मना लिया था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे एमबीए में चले गए। एमबीए में रहते हुए भी उद्धव ठाकरे के बयान बीजेपी को लेकर नरम दिखाई दे रहे थे, लेकिन शिंदे की बगावत के बाद रिश्ते बदलते चले गए, जिन्हें फिर से ठीक करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। लेकिन रास्ते में एक बार फिर संजय राउत आ गए हैं। साफ है राउत के रहते बीजेपी और ठाकरे के बीच रिश्ते सही नहीं हो सकते।